हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट के बारे में। ये डायबिटीज़ अगर जिन पेशेंट को है तो उनकी बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर क्या क्या डायबिटीज़ है, वो क्या क्या हार्मफुल कर रही है या क्या हार्म पहुँचा रही है आपकी बॉडी को। तो डायबिटीज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, डायबिटीज़ जो है वो हमारे रिटिनोपैथी पर इफ़ेक्ट करती है, यानी कि जो हमारे रिटिना होता है आइज़ का, उस पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में नहीं होती है, डायबिटीज़ हाई हो जाती है, शुगर हाई है, तो भी बॉडी पर वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। तो आई पर इफ़ेक्ट करती है, आइज़ का जो रेटिना होता है उस पर इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि जो है वो आइज़ की जो रोशनी है, आँखों की जो रोशनी है, वो धीरे धीरे जो है वो कम होती चली जाती है। देन सेकेंड इफ़ेक्ट इसका आता है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन में जो है वो कई बार स्ट्रोक कर देती है, या फिर एक तरह से खून के थक्के बन जाते हैं तो ब्रेन में स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है। देन आता है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, यानी कि सीधा सा डायबिटीज़ जो है वो हार्ट पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है, हार्ट डिज़ीज़ कंडीशन होनी शुरू हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड डिज़ीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिससे क्या होगा कि हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तो मोस्टली क्या है, ये सीधा हार्ट पर इफ़ेक्ट करता है। देन आता है डायबिटिक फूड, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, डायबिटिक फुट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोई भी अगर चोट लग जाती है, कहीं पर घाव हो जाता है, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो उसको ठीक होने में, उसको फील होने में, वुंड हीलिंग होने में टाइम लगता है। देन आता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी पर इफ़ेक्ट होना शुरू कर देता है, जैसे कि डायबिटीज़ में यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बार बार यूरिन की अर्ज होती है, यानी कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, और किडनी यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा फंक्शन करती है यहाँ पर, तो फिल्ट्रेशन का वर्क ज़्यादा होता है और स्टोरेज का वर्क ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। तो किडनी क्या कर रही है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का वर्क बहुत ज़्यादा करती है और फिर किडनी पर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। देन आता है इसमें रिड्यूस द ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, टांगों में बहुत दर्द होता है, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता, यानी कि ब्लड सही से नहीं जा पाता है वेन्स में, टांगों में, तो जिसकी वजह से उनको पेन रहता है। देन आता है हमारा डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी यानी कि नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम होता है नर्वस यानी कि सिग्नल्स को भेजना, ट्रांसमिट करना सिग्नल को, तो डायबिटीज़ जो है हमारे नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है, जिससे जो है वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इफ़ेक्टेड होता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जो हम इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्रेन तक पहुँचनी होती है वो ठीक से नहीं पहुँच पाती है, तो हमारे नर्वस सिस्टम पर ये सीधा सीधा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जब डायबिटीज़ किसी पेशेंट को हो जाती है। तो क्या क्या होगा इसमें, हमारे आइज पर इफ़ेक्ट होगा, स्ट्रोक बन सकते हैं, हार्ट पर इफ़ेक्ट होता है, डायबिटिक्स फूट होंगे, यानी कि कोई भी चोट लगती है, घाव होता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, उसे टाइम लगता है ठीक होने में, और किडनी पर इफ़ेक्ट होता है, और ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो ये हैं डायबिटीज़ की इफ़ेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।